हेलो फ्रेंड्स आई एम योर फ्रेंड कृष्णा लोहान डिस्कसिंग अबाउट टेट्स रीजनिंग एरिया वेर ऑल स्टूडेंट्स गेट हैजिटेड एंड कन्फ्यूज डूइंग इट टुडे आई एम गोना टेल यू एट लीस्ट टेन और ट्वेल्व चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग यू मस्ट बी अटेंटिव बॉय लिसनिंग मी वेयर आई एम टारगेटिंग द पॉइंट्स एंड ट्रिक्स अब इसमें देखिए दोस्तों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होते हैं क्लॉक तो वो होते हैं जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं कैसे घूमती हैं वो लेफ्ट uh, से राइट right की तरफ आती हैं और एंटी क्लॉक क्या होता है वो फिर राइट right से लेफ्ट की तरफ जाना ठीक है जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है यदि किसी व्यक्ति का मुँह उत्तर दिशा की ओर और, और वह दाएँ घूमता है तो उसका मुँह पूर्व दिशा में हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने की uh, मतलब ज़रूरत है फिर दूसरा है यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो दाएं घूमेगा तो दक्षिण में ही जाएगा कॉमन है तो किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका हम उत्तर में चला जाएगा अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके थ्रू हम समझेंगे इसमें जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का दाए मुड़ता है फिर वो दोबारा से दाएँ मुड़ेगा अब दक्षिण की ओर भाग रहा है वो दाएँ मुड़ेगा दाएँ मुड़ने के बाद फिर वो फिर से दाएँ मुड़ेगा और इसके बाद वो बाएँ तो मुड़ेगा यानी कि अब दिशा पूछी गई है दक्षिण की ओर भागते हुए वो दाएँ ओर मुड़ता है ठीक है दोस्तों यानी वेस्ट की तरफ अब वेस्ट की तरफ मुड़ के वो फिर से दाएं मुड़ेगा यानी कहाँ जाएगा वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ से वो फिर से बाएं मुड़ेगा तो इसका आंसर क्या आएगा पश्चिम की ओर सॉरी अब देखिए दोस्तों थर्ड है जो चैप्टर है इसका सीरीज यानी श्रृंखला अंकीय श्रृंखला भी होती है वर्ग संख्याएं उसमें घन संख्याएं तो इसके नियम देख लेते हैं सबसे पहले इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न में पहली और दूसरी संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर ये आगे भी इसी तरह से इनके बीच के जो है गैप को हम अच्छे से समझेंगे ठीक है ये इस नियम के अकॉर्डिंग आते हैं अब इसमें योग का भी आता है नियम इसमें घटाव का भी आता है गुणा का और भाग का नियम आता है सबसे पहले हम समझेंगे योग का नियम योग के नियम में क्या है जैसे उदाहरण दिया हुआ है फाइव नाइन फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन के बाद कौन सा आएगा फाइव और नाइन के बीच कितने अक्षरों का गैप है चार नौ और चौदह के बीच पाँच चौदह और बीस के बीच में छः और सताईस और सॉरी बीस और सत्ताईस के बीच है सात तो अब सात के बाद हमें ज़रूरत होगी काउंटिंग मतलब रेगुलर चल रही है तो आठ अक्षरों के बाद का जो वर्ड आएगा आप सत्ताईस के बाद आप आठ वर्ड काउंट कर लीजिए कौन सा आएगा तो इसमें इस, इस हिसाब से अगर इसको काउंटिंग करते हैं तो क्या आएगा सत्ताईस के बाद आप कर लीजिए काउंटिंग बैठे बैठे कर सकते हैं अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस 33, चौंतीस और पैंतीस यानी आप यहाँ आंसर डालेंगे थर्टी फाइव इजी है ना? अब आ जाता है घटाओ का नियम सेकेंड सिक्सटीन फोर्टीन इलेवन सेवन सिक्सटीन 14 में टू 14, इलेवन में कितना थ्री और इलेवन और सेवन में कितना फाइव तो अब यहाँ पर टू थ्री फाइव इसके बाद कितना कम लेके हम चलें कि उसका आंसर आ जाए तो सेवन में हम फिर फाइव को ही काटेंगे उसके बाद आंसर आएगा यहाँ पे टू ही जैसे ये यह यहाँ पे दे रखा है सिक्सटीन में टू माइनस किया फ़ोरटीन फोर्टीन में थ्री माइनस किया इलेवन इलेवन में माइनस फोर किया ये टू थ्री फोर फाइव यानि ये एक माइनस की जो डिजिट है लेकिन चढ़ रही है कैसी ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रही तो इसका आंसर रहेगा टू अब आगे आ जाइए दोस्तों इसमें है गुणा का नियम अब गुणा के हिसाब से देखिए टू सिक्स एटीन फिफ्टी फोर टू से क्या मल्टीप्लाई किया हमने जो सिक्स आ गया थ्री सिक्स से क्या मल्टीप्लाई किया हमने जो एटीन आ गया बताइए थ्री ओके okay. अब एटीन से क्या मल्टीप्लाई किया हम जो ए, 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 फिफ्टी फाइव सॉरी फिफ्टी फोर आया है तो ये भी थ्री अब 54 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162 ये आपका आंसर इसका रहेगा 162 अब भाग का नियम देख लीजिए दोस्तों इसमें क्या है 240 120 60 और 30 यानी कि घटते क्रम में है डिसेंडिंग ऑर्डर तो इस हिसाब से 10 15 20 और फाइव इनमें से कौन आएगा 13 के बाद तो इसका आंसर क्या रहेगा देखिए टू फोर्टी और वन ट्वेंटी के बीच में क्या है टू ऐड है टेबल के हिसाब से कह रही हूँ और इसको डिवाइड करेंगे तो और वन ट्वेंटी में अगर डिवाइड होता है तो सिक्सटी आता है सिक्सटी को डिवाइड करेंगे टू से तो थर्टी आता है अब थर्टी को डिवाइड किया तो क्या आएगा फिफ्टीन इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ चैप्टर सादृश्यता यानी एनालॉगी तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि संबंध दर्शाया जाता है जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पेशे से है तो वो कौन से औजार यूज़ करता है और अगर वो बढ़ाई है तो वो कौन से औजार यूज करता है यानी एक कलाकार है तो वो क्या कार्य करता है कलाकारी करता है एक्टर है तो वो एक्टिंग करता है और ये भी पूछे जा सकते हैं कि कलाकार है तो वो कहाँ पे अपना कार्यक्रम देता है नाट्यशाला में किसान कहाँ करता है खेती में क्लर्क कार्यालय में तो ये संबंध दर्शाने वाले जो मतलब एम आ सकते हैं आपके इनको भी ध्यान से देखिए अब इनमें जैसे नाई है कैंची उस तरह से उसका संबंध है और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि उत्पाद है कोई प्रोडक्ट है तो वो उसका कच्चा पदार्थ बताइए जैसे कि कागज़ का लुगदी होगा मदिरा का अंगूर होगा फर्नीचर का लकड़ी होगा अब देखिए दोस्तों इसमें एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि शब्द के बाद शब्द का आना जैसे उसमें तो क्रमांक थे वो डिजिट थी अब इसमें शब्द के बाद शब्द का आना दिखाया गया है तो इसमें देखिए पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है स्वप्न है उसके बाद वास्तविकता है फिर झूठ है तो झूठ के बाद आप बताइए विपरीतार्थक शब्द में क्या आएगा असत्य सत्य निष्पक्षता औचित्य तो इसमें इसका आंसर झूठ के बाद क्या रहेगा सत्य ठीक है दोस्तों अब इसमें पाउंड येन पोलो एक ये एग्जाम्पल दिया गया है हॉकी घोड़ा सुवारी छड़ी पाउंड और येन दोनों के दोनों क्या है करेंसी है और पोलो क्या है एक गेम है तो पोलो के बाद जैसे पोलो खेला जाता है उससे मिलता जुलता क्या है यहाँ पे होकी है अब कहाँ बत्तख करती है तो हिन हिनाहट कौन करता है घोड़ा करता है सिपाही रेजिमेंट है तो घोड़े के बाद क्या आएगा अश्वारोही या झुंड आएगा बताइए घोड़े के बाद क्या आएगा अश्वरोही सेना अब ये है दोस्तों आपकी फिफ्थ जो चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर है इसमें देखिए वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना कई बार आ जाता है अगर ये ये चीजें जड़ है तो इसकी शाखा में कौन सा क्या आएगा इस तरह से कंफ्यूजिंग होते हैं ये लेकिन ये मुश्किल ये भी नहीं है नियम देखिए इसमें शरीर के अंगों से संबंधित इसमें क्या है ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर तो क्या है आप पता है फाइव साइंस ऑर्गन है हमारे और अंत बाहरी अंग के आधार पर आपको पता है हाथ पैर है शरीर में उपलब्धता के आधार पर यानी कि तीन इसके जो है नियम है इसमें देखिए जैसे एग्जाम्पल है भिन्न शब्द ज्ञात करें यानी कि डिफरेंट आंख कान पैर त्वचा आंख और कान और त्वचा यानी तीन क्या है ये इंद्रियों के आधार पर है और पैर क्या है बाहरी अंग के आधार पर है ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर क्या रहेगा पैर ठीक है भिन्न शब्द हो गया ना ये पैर को छोड़कर अन्य सभी ज्ञानेन्द्रिया हैं ठीक है ठीके? अब अगला देखिए भिन्न शब्द इसमें भी ज्ञात करना है आँख कान पैर फेफड़े भिन्न शब्द अब इसमें क्या रहेगा आँख कान पैर फेफड़े में क्या रहेगा आंसर आपका जो फेफड़े हैं वो इंटरनल है और बाकी सारे बाहरी अंग है तो इसमें आपका आंसर रहेगा फेफड़े इस तरह से ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आप जैसे इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि इसमें बताइए शलजम चुगंदर आलू और टमाटर इनमें भिन्न शब्द कौन सा है टमाटर को छोड़कर अन्य सभी जमीन के अंदर आते हैं यानी उगते हैं और टमाटर क्या है बाहरी मतलब सरफेस पे उगता है तो इसका आंसर है टमाटर आलू को छोड़कर अन्य सभी जमीन के अंदर उगते हैं ठीक है थीका? अब है अगला देखिए अदरक प्याज लौकी टमाटर अब इन तीनों में चारों में भिन्न शब्द कौन सा है लौकी को छोड़कर अन्य सभी पौधों में आते हैं जबकि लौकी बेल में आती है ठीक है दोस्तों तो इसमें इसका आंसर रहा लौकी महीनों के अनुसार भी आ जाते हैं भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए जनवरी जुलाई अगस्त फरवरी तो इसमें फरवरी को छोड़कर सभी में थर्टी वन डेज हैं फरवरी में ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट होते हैं अगर ईयर ना हो इस तरह से ये क्वेश्चन भी दोस्तों आएंगे तो इनको भी ध्यान में रखिएगा नीचे भी हैं और काफी सारे हैं जैसे नदी तालाब कुआं झील है अब इनमें से भिन्न शब्द क्या है नदी को छोड़कर क्योंकि सब में पा, पानी जो है ठहरा हुआ होता है नदी में फ्लो करता है ठीक है अब दोस्तों इस तरह से भी आ जाते हैं क्वेश्चन कि आपको डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है कि इसमें आप सांकेतिक भाषा में बताइए इसका क्या मतलब बनता है तो एक सबसे पहले काम मैंने आपको पिछले मतलब उसमें चैप्टर में भी बताया था कि आप जितने भी लेटर हैं अल्फाबेट उनको सीधे और उल्टे दोनों तरीके से सीधे और उल्टे दोनों तरीके से उनके आप क्रमांक याद कर लीजिएगा अगर यहाँ से जेड से शुरू होता है पूछा जाता है कि अगर जेड से शुरू करते हुए आपके दाई सॉरी बाई और उल्टे हाथ को ये अक्षर किस क्रमांक पे पड़ेगा तो आप यहाँ इसको एक नंबर पे लेके चलेंगे जेड को लेकिन अगर सीधे क्रम में पूछा जाए तो यहाँ से वन यहां पे वन फर्स्ट नंबर पे आएगा इस तरह से आपको इनका आंसर देना पड़ेगा तो बहुत ही आसान है ये भी पहले तो इनकी जो है क्रमांक याद कर लीजिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेकंड नंबर पे कौन सा है एक फर्स्ट हाफ ये हो गया आपकी वर्णमाला का सेकंड हाफ ये हो गया इनका भी उल्टा पुल्टा पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ है उसमें एम के बाद आपके बाई और एफ किस नंबर पे पड़ता है यह भी पूछा जा सकता है तो थर्टीन है थर्टीन है ये ट्वेल्व है इस हिसाब से आप यहाँ पे सिक्स नंबर पे पड़ेगा ठीक है दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों देखिए जो भी जितने अल्फाबेट हैं उनका नियम दिया गया है इसमें योग का नियम यानी कि प्लस जो ऐड करने का नियम देखिए इसमें बताया गया है जो ये आर ओ S रोज़ इज इक्वल टू टी क्यू यू जी तो बिस्कुट को किस प्रकार लिखेंगे अगर रोज़ इज इक्वल टू टी क्यू यू जी है तो बिस्कुट को कैसे लिखेंगे अब आर के बाद जो टी है वो किस नंबर पे पड़ता है आर पड़ता है एटीन पे और टी पड़ता है ट्वेंटी पे। यानी कितने का गैप हुआ इनमें एक का गैप हुआ तो एक का गैप हुआ तो ओ के बाद क्यू कितने नंबर पे पड़ता है ओ सेवनटीन पे है और क्यू कितने नंबर पे है क्यू है सॉरी ओ फिफ्टीन नंबर पे है क्यू है सेवनटीन पे इनमें भी प्लस टू 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 एड करके जैसे इसमें दिखाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है टू प्लस ऐड कर करके इसी तरह से बिस्कुट का भी हमें जो प्लेस है निकालना पड़ेगा ठीक है बहुत आसान है इसको भी ध्यान से देखिए कुछ नहीं है सिर्फ आपको इनकी काउंटिंग याद करनी है और उसमें एक गैप देखना है नहीं ये तो था योग का नियम इसी तरह से घटाव का नियम भी आएगा तो माइनस माइनस करके चलेंगे यदि माइंड को कूट भाषा में के जी एल बी यहाँ पे के जी एल बी लिखा जाता है तो डायग्राम को उसी कोट में किस अक्षरों में किन अक्षरों में लिखेंगे अब माइंड की हमें पहले काउंटिंग जान लेनी है क्योंकि हमने याद किया है एम थर्टीन पे है आई नाइन पे है एन फोर्टीन पे है और डी है फोर पे तो इस तरह से अब के एम के बाद K किस के किस नंबर पे पड़ता है इलेवन पे, यानी कि माइनस टू हुए थर्टीन में से इलेवन पे आ गए हैं यानी कि अब आई में से माइनस टू हुए तो सेवन जी है यानी कि इन दोनों का संबंध पहले देखेंगे हम इसके बाद फिर हमें इसी तरह से डायग्राम को देखना है डायग्राम के भी हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए कि कौन किस नंबर पे डी है फोर पे आई नाइन पे ए वन पे इसी तरह से अब इसमें माइनस टू टू करके यानी कि डी में माइनस टू कर दिया तो क्या B आएगा बी तो आएगा क्योंकि बी दूसरे नंबर पे है आई यहाँ पे नाइन पे है तो जी यहाँ सेवन पे आ जाएगा ए फर्स्ट पे है तो उल्टा चलेंगे जेड के बाद वाई ट्वेंटी फाइव यानी कि दो माइनस करने हैं ना इसमें से इसी तरह से करके इसका आंसर क्या बनेगा बीजीवाई पी वाई के -E यानी कि इसका आंसर ये निकलेगा ठीक है दोस्तों इसी तरह से आगे, आगे आप देख सकते हैं आपको समझ आ गई है चीज आप यहाँ से खुद भी कर सकते हैं मैं इसको हटा देती हूँ आप देखिए इसी तरह से सारे कोड के हिसाब से कूट भाषा में यानी कि इनको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग आगे पीछे हो सकती है कम ज्यादा हो सकती है गुणांक के हिसाब से हो सकती है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा इसमें वर्ण व्यवस्था परिवर्तन ये भी है तो इसमें भी क्या होता है इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यू डी ओ एम ई टी ई आर को जैसे कि ये स्पेलिंग दी हुई है ऐसा अगर लिखा जाता है तो बताइए इसको सबलीज को कैसे लिखा जाएगा तो क्या करेंगे अब इसमें इनकी काउंटिंग मैच करेंगे सबसे पहले इनको लिख लेते हैं यू डी ओ एम इस तरह से लिख लिया हमने इस स्पेलिंग को पहले फिर नीचे इसके बिल्कुल नीचे ये वाली स्पेलिंग लिख ली यानी कि इन्हीं को उल्ट पुलट कर रखा है उसी प्रकार फिर हमें बनाना है सबलीज का सबलीज की स्पेलिंग यहाँ पे लिख ली फिर इन्हीं को उल्टे यहाँ पे ले आते हैं यानी कि एस को यहाँ घुमा दिया इसको यहाँ घुमा दिया एल को यहाँ आए बी को यहाँ ये देखिए ये चैप्टर दोस्तों आपका है घड़ी परीक्षण यानी टाइम टेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक दिन में आपकी जो घंटे की सुई है कितने दिन में वो अतिव्यापन करती है ओवरलैप करती है यानी एक जो सुई है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर से कितनी बार गुजरती है तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं तो पहले हम यहाँ नियम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसे सारा क्लियर हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ देखिए घड़ी की दोनों सुइयाँ हर घंटे में एक बार अति व्यापन यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है लेकिन बारह घंटे में ग्यारह बार बनता है क्योंकि जब बारह से एक बजे की बीच की टाइमिंग होती है तो यहाँ पे सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर से नहीं जाती ठीक है जो घड़ी की सुइयाँ हैं और अगर मान लीजिए ये तो बारह घंटे की बात है अगर चौबीस घंटे में पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर से अतिव्यापन कैसे कर कितनी बार करती हैं तो आप उसका आंसर देंगे बाईस बार क्योंकि इसका मैंने आंसर आपको बताया कि बारह से एक के मध्य अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है यानी यहाँ पे बारह से और एक के बीच में एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरती हैं फिर है इसमें घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में एक बार विपरीत यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाती हैं लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार होती है क्योंकि 6 और 7 के मध्य है विपरीत स्थिति विपरीत स्थिति नहीं होती 6 और 7 के बीच में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 180 का कोण बनता ही नहीं है इसका ठीक है दोस्तों अब है घड़ी की दोनों सुइयाँ हर घंटे में दो बार समकोण करती यानी कि नाइन्टी डिग्री का जो है 90 डिग्री का कोण बनाती हैं लेकिन 12 घंटे में यह 22 बार करती हैं और 24 घंटे में 44 बार होती हैं क्योंकि तीन से चार के मध्य और नौ से दस के बीच समकोण एक बराबर ही बनता है ठीक है अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टाइम से रिलेटेड टाइम टेस्ट यदि एक घड़ी में छः पंद्रह का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा यानी कि अगर मिरर को हम सामने रख देते हैं सिक्स फिफ्टीन का टाइम है तो मिरर के अकॉर्डिंग उसमें क्या समय दिखाई देगा तो यहाँ पे अब आप बारी आती है कि आप मिरर तो रखोगे नहीं आ, उसमें सेंटर में मिरर कौन देगा आपको वो तो तेईस बजकर साठ मिनट से सिक्स फिफ्टीन को माइनस कर देना है आपका आंसर आएगा यहाँ पे सेवनटीन फोर्टी फाइव यानी सत्रह बज के पैंतालीस मिनट और उसको अगर हम डिजिटल में ही करें तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे फाइव फोर्टी फाइव नेक्स्ट है दोस्तों कैलेंडर कैलेंडर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि पाँच अगस्त को शुक्रवार है तो तीस अगस्त को क्या होगा अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है पाँच अगस्त से तीस अगस्त के मध्य यानी बीच में कुल दिन कितने हैं तीस दिन है जैसे कि उसमें फाइव को हम माइनस कर देंगे आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव जो है सेवन से बड़ी संख्या अतः इसमें सात को भाग देने पर शेष फल चार आता है तो दिए गए वार शुक्रवार से चार दिन आगे बढ़ने पर मंगलवार आएगा तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा मंगलवार यदि ट्वेंटी नाइन जुलाई को मंगलवार है तो दो अगस्त को क्या वार था इसी तरह से अब देखिए दो जुलाई से ट्वेंटी नाइन जुलाई के मध्य कुल दिन यानी कि ट्वेंटी सेवन आ गया ट्वेंटी सेन से फिर वही काम करेंगे हम सात से डिवाइड कर देंगे तो इसका ट्वेंटी नाइन इसमें सिक्स इसका आंसर आएगा यानी कि छः दिन पीछे घटने पर बुधवार ठीक है दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों ये है ग्रुप एनालिसिस इसमें बढ़ते और चढ़ते क्रम में हम जो भी मतलब स्टेटमेंट दी गई उसको लिखते हैं फिर उसका आंसर निकालते हैं जैसे इसमें पूछा गया है राम के बैंक के खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है परंतु मोहन से कम है अकबर के खाते में अर्जुन से कम राशि है परंतु राम से अधिक है अब इसको हम अमीर से लेकर गरीब तक की क्रमांक में मतलब जो कंटिन्यूटी है उसमें इसको लिख लेते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं जैसे कि अर्जुन सबसे इसमें ज़्यादा पैसे वाला है फिर अकबर है फिर मोहन है फिर राम है इसी तरह से जो गोपाल है वो सबसे कम में आता है मतलब जो चेस्ट के हिसाब से है गरीब है इनमें ज़्यादा सबसे कम पैसा उसके पास है गोपाल के पास तो आंसर इसका यही रहेगा अब इसमें नेक्स्ट देखिए तीन मित्र सिनेमा में जाने की योजना बनाते हैं अवधेश कहता है कि मैं केवल शुक्रवार शनिवार सोमवार को ही खाली हूँ ललित कहता है मैं इन दिनों खाली हूँ मनीष कहता है मैं इन दिनों खाली हूँ अब इन में से किन तीन किन दिन तीनों साथ साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं अब तीनों के हम दिन लिख लेंगे जिसमें कॉमन डेज हैं उसको हटा के जिन दिन वो फ्री हैं हम उसको उसका आंसर घोषित कर देंगे ठीक है दोस्तों ये भी बहुत ही आसान है इसको भी आप यहाँ से ट्रिक के हिसाब से कर सकते हैं अब इसमें ये कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप इनको भी देख के कर सकते हैं सोल्व एटलीस्ट इसमें इलेवन क्वेश्चन हैं टेन कंप्लीट है तो आप यहाँ से इसको देख के करिएगा इसमें देखिए दोस्तों ये है ग्रुप एनालिसिस। इसमें बढ़ते और चढ़ते क्रम में हम जो भी मतलब स्टेटमेंट दी गई उसको लिखते हैं फिर उसका आंसर निकालते हैं जैसे इसमें पूछा गया है राम के बैंक के खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है परंतु मोहन से कम है अकबर के खाते में अर्जुन से कम राशि है परंतु राम से अधिक है अब इसको हम अमीर से लेकर गरीब तक की क्रमांक में मतलब जो कंटिन्यूटी है उसमें इसको लिख लेते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं जैसे कि अर्जुन सबसे इसमें ज़्यादा पैसे वाला है फिर अकबर है फिर मोहन है फिर राम है इसी तरह से जो गोपाल है वो सबसे कम में आता है मतलब जो चेस्ट के हिसाब से है गरीब है इनमें ज़्यादा सबसे कम पैसा उसके पास है गोपाल के पास तो आंसर इसका यही रहेगा अब इसमें नेक्स्ट देखिए तीन मित्र सिनेमा में जाने की योजना बनाते हैं अवधेश कहता है कि मैं केवल शुक्रवार शनिवार सोमवार को ही खाली हूँ ललित कहता है मैं इन दिनों खाली हूँ मनीष कहता है मैं इन दिनों खाली हूँ अब इन में से किन तीन किन दिन तीनों साथ साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं अब तीनों के हम दिन लिख लेंगे जिसमें कॉमन डेज हैं उसको हटा के जिन दिन वो फ्री हैं हम उसको उसका आंसर घोषित कर ये दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसमें एक क्रम व्यवस्था यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु को रैंक के हिसाब से लगाना होता है और उसकी पोजीशन बतानी होती है तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है कि आप उसका टोटल ले, ले लेंगे जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं फिर वो राइट में है या लेफ्ट में है वो बताना है इसके बाद उसमें से माइनस वन कर देंगे इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो सम है या जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ये सॉल्व करना है जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि विद्यार्थियों की कतार में राहुल बाएं से पंद्रहवें स्थान और दाएं से ग्यारहवें स्थान पर है कतार में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो अब इसमें आ, क्या करेंगे हम टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन अब इसमें बताया है पंद्रहवें स्थान पर उसको ले लिया हमने प्लस इलेवन कर देंगे क्योंकि उसका रैंक क्या बताया इसने इलेवन उसमें माइनस वन कर देंगे यानी कितना हुआ इसमें से ट्वेंटी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी फाइव इसका आंसर रहेगा अब इसमें दोस्तों एग्जांपल्स और भी हैं आप यहीं से देखिएगा जैसे छह लड़के एक वृत्त बनाकर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की ओर है यहाँ पे एग्जांपल इसका देखिए मैं इसको बता रही हूँ यहाँ यानी कि छह लड़के इस तरह से मुंह करके बैठे हुए हैं इनका मुख सेंटर की तरफ है यानी एक दूसरे की तरफ भी बोल सकते हैं अब क्वेश्चन उठता है इसमें राजीव बैठा है मोहन के दाई ओर यानी मोहन का राइट हैंड ये हुआ अगर उसका मुंह यहाँ है तो राइट तो यही हुआ ठीक है लेकिन विजय के ठीक बाई ओर अब विजय के बाई ओर विजय के बाई ओर ही होगा ये क्योंकि इसका मुंह विजय का इस साइड तो इसका लेफ्ट यही जाएगा अब इसमें सेकंड पूछा गया चंदर बैठा है बाबू और विजय के बीच अब विजय और बाबू के बीच में चंदर बैठा है अजय बैठा है विजय के बाई और विजय का बाई ये जैसे बताया था राजीव के लिए तो अजय यहाँ बैठा दिया हमने तो बताएं कि मोहन के बाई और कौन है अब मोहन का बाई और बाबू है सो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आ जाते हैं ये हर बार आते हैं एक चीटा बारह मीटर ऊंचे चिकने खम्बे पर चढ़ना शुरू करता है वह प्रतिदिन चार मीटर चढ़ता है और दो मीटर खिसक कर वापिस आता है कितने दिनों में शिखर पर जाएगा इसके लिए सूत्र क्या है डी डी इज इक्वल टू एल माइनस जे अपॉन में एच प्लस वन यहाँ एल खम्बे की ऊंचाई है जे एक दिन की कुल चढ़ाई एच एक दिन की प्रभावी चढ़ाई अतः लिए गए दिन इसने बताया है बारह प्रतिदिन की चार माइनस में कर देंगे और ये जो खिसकता है उसको अपॉन में कर देंगे ठीक है अब इसे प्लस में वन डाला है कट पिट के एट अपॉन टू प्लस वन यानी कि इसका आता है फाइव आंसर ठीक है दोस्तों रिश्ते के किसी भी एक पात्र को मुख्य पात्र है जो उसको अपने आप में लागू कर लें कि मैं वही हूँ दूसरे में क्या होता है कि अगर हमें रिश्ता दिखाना है तो हम एरो के एरो के थ्रू चलते हैं जैसे कि इससे ये संबंध हम लागू करते हैं इससे हमें पता लगता है कि भी हम जिसके बारे में भी जान रहे हैं वो कौन है जैसे एग्जांपल देखिए उदाहरण अरुण रोहित का पिता है अरुण लिख लिया प्लस में ठीक है ये निशान मत भूलना अरुण को लिख लिया फिर रोहित का पिता है यहाँ पे रोहित लिख लिया ठीक है यानी रोहित का पिता कौन है अरुण हो गया रोहित माला का भाई है अब रोहित की तरफ एरो गया तो यहाँ माला आ गई है माला दिलीप की पत्नी है यहाँ चले गए दिलीप रोहित दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है तो यहाँ पे गया अब इसका अगर ये भाई है तो उसका क्या लगेगा साला और वो उसका क्या लगेगा जीजा ठीक है दोस्तों अगर हम पैटर्न को एरो के थ्रू करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है दूसरा एग्जाम्पल देखिए मानव महिला आप स्वयं है खुद से आप महिला लगा लीजिए खुद को इस क्वेश्चन के थ्रू <coughs> आपकी मां का पति आपका पिता हुआ ठीक है ये हम चीजें लिख लेते हैं आपकी माँ का पति आपका पिता हुआ हो गया और जिसकी बहन आपकी बुआ है ये बुआ हो गई अब आपकी बुआ उस व्यक्ति की मां है आपकी बुआ उस व्यक्ति की माँ है यानी कि वह व्यक्ति आपकी बुआ का लड़का आपका फुफेरा भाई होगा यानी जिसकी भी ये माँ है तो उसने पूछा गया है उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है तो वो क्या है उसका फुफेरा भाई अब ये दोस्तों ये अगला चैप्टर है वे नाइक डायग्राम्स का है इसमें प्रकार होते हैं पूर्ण संबंध होता है आंशिक संबंध है नकारात्मक संबंध है तीन इसके पार्ट दिए गए हैं और इनमें क्या है पूर्ण संबंध क्या है यदि दो शब्दों में पूर्णतया संबंध है तो उनका निम्न आरेख नीचे है जैसे दे रखा शेर क्या होते मांसाहारी ठीक है दोस्तों आंशिक संबंध क्या होता है कि उनका कुछ भाग कुछ हिस्सा उनका मैच करता है जैसे कुत्ता मांसाहारी अब कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं तो ये कुछ का यानी कि दोनों ही सर्कल में कुछ पार्ट इनका मिला दिया गया कुछ सारे ही कुत्ते मांसाहारी नहीं होते हैं तो इसमें कुछ पार्ट ऐसे शो किया जाता है ठीक है दोस्तों अब नकारात्मक संबंध होता है जो दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता है कुत्ते और शेर का ठीक है तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू शो करेंगे अब इसमें है नियम देखिए यदि तीनों शब्दों में कोई संबंध नहीं है तो आरेख निम्न प्रकार से होगा संबंध नहीं है तो ये इस तरह से दिखाएगा तीनों को अलग अख लिख, लिख देंगे अब क्वेश्चन आ जाता है कि गायक लेखक और संगीतज्ञ इन तीनों को वृत्त के हिसाब से दर्शाएं कुछ गायक लेखक हो सकते हैं पहले हम गायक का डायग्राम बनाएंगे वो लेखक हो सकते हैं हो सकते हैं यानी कि यहाँ पे ये संबंध है कम है यानी कि कुछ ही पाठ वृत्त का इसने लिया है फिर कुछ लेखक संगीतज्ञ हो सकते हैं उससे आगे पढ़ लीजिए कुछ संगीतज्ञ गायक हो सकते हैं, यानी तीनों का ही कुछ न कुछ पार्ट यहाँ पे मिला हुआ है ठीक है तो इसको इस डायग्राम के थ्रू हम शो करेंगे यदि दो शब्दों में आपस में पूर्ण संबंध और तीसरे शब्द से उनका कोई संबंध नहीं हो तो उस आरेख निम्न प्रकार होगा यानी कि गाय शाकाहारी शेर गाय शाकाहारी यहाँ पे इनका मैच हो रहा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट होता ही है शेर का कोई संबंध नहीं है इनसे उसको अलग लिख दिया